जी सेवन के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक की एक टेली हो रही है एक तरह से मीटिंग मान लीजिए सबको मिलना जरूरी है वैसे भी कोरोना चल रहा है एक साथ ना मिले तो बेहतर है एक बार टेली ही कर ले वो ज्यादा बढ़िया है सही बहुत जरूरी है ईरान की मीटिंग देखने के बाद तो ऐसा लगता है जितना दूर रहे उतना बढ़िया तो आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं वही ठीक है आज के जमाने में और ये सारे के सारे बैंकर्स इस बात पर फोकस करेंगे कि कोरोना से कैसे निपटा जाए इस पर हम भी फोकस करेंगे थोड़ी देर में ब्रेंट पे सात परसेंट का उछाल आया है आ, अमेरिका की तेजी को देखकर लेकिन डरने की बात नहीं परसेंट में मजा ये दो डॉलर बढ़ाए तिरपन हमें कोई चिंता नहीं भारत में नए मरीज मिले हैं कोरोना को उससे लेकर थोड़ा सा बाजारों में डर दिखाए कल आखिरी एक घंटे में जो गिरावट दिखी है वो उसी वजह से आती है। दिखी है ये चार चीजें हैं जिन पर फोकस करना है अनिल जी इतिहास में सबसे बड़ा एक दिन का पॉइंट का उछाल डाउ में और डाउ है ये मतलब सबसे बड़ी मार्केट मार्केट कैप हिसाब से देखिए के मदर ऑफ ऑल मार्केट मदर ऑफ ऑल मार्केट्स यस जो आपने कहा था दस माले से तो गिरे मदर बोलते तो, लोग मैं तो बोलता हूँ पेरेंट्स ऑफ ऑल मार्केट ये माई बाप दोनों ये माई बाप दोनों है ना सिर्फ माँ है माई बाप दोनों है सही बात जी मतलब ये कॉन्फिडेंस बूस्टर लेना चाहिए इसको या करेक्शन आपने बोला था बाउंस आएगा बट इतना बड़ा बाउंस एक दिन में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कहीं कहीं दूर दूर तक मुझे ख्याल नहीं था कि डाउ इतिहास की बड़ी तेजी दिखा सकता है लेकिन आपको कारणों में जाना है दीप कि इस तेजी का अमेरिका के लिए क्या मतलब है और हमारे लिए क्या मतलब है जी। हमें डाउ की तेरह पॉइंट की तेजी से कितना खुश होना है पहली चीज तेजी क्यों हुई उसके कारण में जाइए तेजी इस बात की वजह से नहीं हुई कि कोरोना कंट्रोल में आ गया जी तेजी इस बात की वजह से नहीं हुई कि कोरोना और देशों में नहीं फैल रहा है अठहत्तर से, हाँ, सेवन सिक्स हाँ छिहत्तर देश ठीक है तो और देश हर रोज बढ़ रहे हैं आठ नए देश तो कहीं कोई कोरोना के कंट्रोल में आने की खबरें नहीं है पॉइंट नंबर लेकिन फिर बढ़ा क्यों दो वजह से अमेरिका में तेजी दो वजह से हुई एक तो वजह यह थी कि जो अठारह अच्छा तारीख को अब बैठक होने वाली फेड की उसमें आधा परसेंट ब्याज देने घटना लगभग तय है हंड्रेड परसेंट लोग मान रहे घटाएगा ही फेड ठीक है और दूसरी ये थी कि एक क्वांटिटेटिव क्वान्टिटेटिविंग आ सकती है अमेरिका में एक राहत पैकेज जिसे हिंदी भाषा में आप समझिए वो अमेरिका में आ सकता है सरकार और सेंट्रल बैंक यूएस फेड की तरफ से जिसका तो खंडन कल ही आ गया कि राहत राहत पैकेज की जरूरत है नहीं और एक्चुअली नहीं है क्योंकि सिस्टम में जितना पैसा चाहिए लिक्विडिटी चाहिए अनाप शनाप है भरपूर है अब दूसरा सवाल आता है कि फिर ब्याज दर में आधा परसेंट की कटौती क्यों जी एक फेड चेयरमैन है उनका नाम है जर्मी पावेल जी और दूसरे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पिछले दो साल से डोनाल्ड ट्रंप साहब पानी पी पी कर पावल साहब को गालियां दे रहे हैं जी आप पीछे चल रहे हैं ब्याज दरें घटाते क्यों नहीं ब्याज दरें घटाते क्यों नहीं और पावेल साहब ऐसे हैं डीट कि वो सुनते नहीं ठीक है बोलते रहो प्रेसिडेंट होना आप अपनी कुर्सी पर जो बोलना है बोलो मैं नहीं मैं नहीं कटूंगा अचानक से अभी दो दिन में ऐसा क्या हो गया कि पावल साहब ट्रंप साहब को नजरअंदाज करके आधा परसेंट ब्याज दरें घटाने पर सोच रहे और वो भी अमेरिका की इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए नहीं जी क्या इसका मतलब कोरोना का डर इतना ज्यादा पावल साहब को भी है कि जब ट्रंप बोले तो मैं ब्याज दरें नहीं घटाऊंगा लेकिन मुझे कोरोना इतना बड़ा दिख रहा है तो ये चिंता की बात है चिंता की बात है लेकिन चूंकि ब्याज दरें घटने की उम्मीद है एक बार बाजार भागेंगे लेकिन ये सिर्फ एक बार भागेंगे जब ब्याज दरें घटेंगी उसके बाद क्या उसके बाद तो आपको दूसरी वास्तविकताओं से मिलना तो ये अच्छा संकेत है कि ब्याज दरें घट रही है उस पर वहाँ के बाजार चढ़ भी गए लेकिन इसके साथ अंदर जब आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा घटनीति घट गई घट जाएंगी लेकिन अल्टीमेटली पैसा सोल्यूशन नहीं है इस बीमारी का इस बीमारी का सोल्यूशन दवा है जी दवा और आपने कहा भी था फेड नहीं एफ डी एफ ई डी नहीं एफ डी यूएसएफी नहीं यूएसएफी हाँ, वो देगा, देगा सोल्यूशन जब यूएसएफ डी ए कहेगा कि हाँ दवा बन गई हाँ वैक्सीन बन गया हाँ हम इसका इलाज कर सकते हैं तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और अगर आज एशियाई बाजारों का रिएक्शन है जो अमेरिका की तेजी पर भरोसा नहीं करे तो हंड्रेड परसेंट सही कर रहे हैं सही बात है हंड्रेड परसेंट सही कर रहे हैं अगर अमेरिका फेड को अमेरिकी फेड इस बात को इतनी गहराई से लेता है कि हमें आधा परसेंट ब्याज दरें काटनी सिर्फ कोरोना की वजह से ये कोई को ग्रोथ ट्रैक पर लाने के लिए नहीं काट रहे हैं ब्याज दरें ध्यान रखिए वो वैसे भी नहीं थी। हाँ, वो है नहीं है जॉब्स बहुत अच्छे हैं सब कुछ ठीक है अगर कोरोना को लेकर पावेल साहब को रेट काटनी पड़ रही है तो मेरे लिए चिंता की बात है दूसरी बात जी अगर जी के सेंट्रल बैंक को एक साथ मीटिंग करनी पड़ रही है उनकी वित्त मंत्रियों को एक साथ मीटिंग कर क्यों भाई आप जिस तरह से कोरोना से लड़ना है वो एक अलग चीज है वो कोशिशें सरकार के लेवल पर है लेकिन इसका मतलब कहीं कहीं जी सेवन के वित्त मंत्रियों को सरकार को सेंट्रल बैंक को एक डर है जी। और डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था उलट पुलट हो जाए और मैं अपने अनुभव से एक चीज दीप कहना चाहता हूं 2008 की मंदी मैंने अपने आंखों के सामने देखी है मैं कहीं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि 2008 फिर से आ रहा है लेकिन 2008 में इसी तरह से हुआ था जब इस तरह का संकट आया दुनिया भर के सेंट्रल बैंक से एक साथ आकर लिक्विडिटी डालने की चर्चा करते थे ग्रोथ को लाने की चर्चा करते थे और एक साथ एक्शन लेते थे और एक साथ एक्शन से वापस हम ट्रैक पर आए भी लेकिन अगर सारे सेंट्रल बैंक अपनी विजडम में सारे वित्त मंत्री सारी सरकारें मिलकर ये सोचे कि कोरोना को लड़ने के लिए हमें कुछ करना है हमें सिस्टम में लिक्विडिटी देनी है हमें मार्केट को रोकना है तो फिर मेरे लिए चिंता की बात है बहुत बड़ी। और अगर 10 ट्रेडिंग सेशन में डाउ लाइफ टाइम हाई बनाकर बावन हफ्तों के निचले स्तरों पर आ जाए जी। तो मेरे लिए चिंता की बात है मुझे डर है मुझे है आप डरे ना डरें आपकी मर्जी क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है जी मेरा नहीं अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट आपका है मेरा नहीं मेरा डर मेरी जगह जायज है आप डर बहुत अच्छी बात है मैं न डराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपको रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं वो दिखा रहा हूँ जो खबर के पीछे आप सिर्फ खबर पढ़ेंगे कि 1300 सौ पॉइंट डाओ उछला है लेकिन उस खबर का विश्लेषण करिए क्यों उछला है और उस उछलने के पीछे क्या अच्छे कारण है यही अगर 1300 पॉइंट अगर डाओ इस वजह से उछलता है कि कोरोना का टीका मिल गया है और दो हफ्तों में हम कोरोना को कंट्रोल में कर लेंगे मैं आज टेबल पर कूद के आपको बोलता जितनी ताकत है खरीदिये जी सब कुछ ठीक हो गया सब कुछ ठीक नहीं हुआ है प्लीज इस बात को समझिए सब कुछ ठीक नहीं हुआ है मैं चाहता हूँ बाजार में तेजी हो होनी भी चाहिए और तेजी होने का एक रीजन है आगे बताऊंगा थोड़ी देर में ठीक है एक बहुत बड़ा रीजन है बड़ा अगर तेजी हुई तो उस वजह से होगी इस वजह से नहीं जो आपको दिख रही इस थीक थीक पर। है पर सर इसमें मेरा एक सवाल था जो जो हमने देखा रिएक्शन आया दस दिन में हम बावन हफ्ते के हाई से बावन हफ्ते के लो पर गए इंडियन मार्केट्स में एक रिएक्शन आया ये जो पैनिक सेलिंग है यह जो पैनिक रिएक्शन है क्या वो हो गया ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है बाजार गिर सकते हैं आगे ये सब ठीक है बट वो जो पैनिक था कहीं वो स्टेबल लगता होता दिख रहा है आपको किसको हुआ पैनिक पैनिक किसको हुआ नहीं अभी तक वो सारे कहाँ आने लगे कि मुझे तो अभी कहीं ट्विटर पे नहीं दिख रहे वो सारे बी का फुल फॉर्म बॉम्बे से एग्जिट एन हाँ। का फुल फॉर्म नेशन से एग्जिट ये सारे जब ये इस तरह के ट्वीट चलते हैं और वो बुल पर एक पड़ा हुआ आदमी भिखारी टाइप तू उठ जा नहीं तो बहुत सारे लोग उठ जाएंगे ये ये जस्ट रिटर्न फ्रॉम शेयर मार्केट इस टाइप के जो अभी तक ये कहाँ आ रहे हैं नहीं आए पैनिक नहीं हुआ अभी ना मेरे हिसाब से तो अभी हमने फैक्टर नहीं ना कहाँ पैनिक है दीप अभी कहाँ पैनिक है ये पैनिक नहीं ये करेक्शन है ओके ये करेक्शन है ये पैनिक मैं मुझे तो पैनिक नहीं लगता अब और मुझे इसलिए भी नहीं लगता शायद क्योंकि मैं बारह हजार एक सौ से बोल रहा हूँ बेचिए हो सकता है इस वजह से मुझे पैनिक नहीं लगता मेरे लिए पैनिक क्या है मेरे लिए पैनिक ये है कि जिस दिन रिलायंस आठ दस परसेंट गिरे एच डी एफ सी आठ दस परसेंट गिरे एच डी एफ सी बैंक दस पंद्रह परसेंट गिरे आईसी बैंक दस परसेंट आठ परसेंट पांच परसेंट गिरे बिना किसी वजह के सिर्फ वजह ये कि अचानक से कई दुनिया भर में कुछ खराब हो गया या अचानक से हिंदुस्तान में कुछ ऐसा खराब हो गया वो पैनिक है वो तो कहीं नहीं दिख रहा किसको डर है पैनिक है लोग अच्छा कल भी करेक्शन में करेक्शन में इसलिए कह रहा हूँ कि कल जो ट्रेन नीचे का है उसका करेक्शन आपको ऊपर का मिला तेजी का आराम से आधे दिन तक पौन दिन तक तीन बजे तक लोगों ने भर भर की खरीदारी खरीदे कॉन्फिडेंस से खरीद रहे पैनिक तो तब होता है जब कॉन्फिडेंस लेने का ख़त्म ही हो जाए वो पैनिक है अभी कहाँ पैनिक है ना 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 पैनिक से दूर है हम बहुत दूर है और मैं चाहता भी नहीं कि वो करेक्शन से काम चल जाए बहुत बढ़िया पिछले चार बार हमने 20 सितंबर के बाद चार करेक्शन देखे करेक्शन से काम चल गया प्लीज़ इस बार भी करेक्शन से काम चल जाए अच्छा है लेकिन नहीं पैनिक नहीं हुआ अभी तो। है अभी तक ठीक है और एक और सवाल है सर कि मार्केट अब फेयरली प्राइसिन कर रहा है कुछ जैसे जब भी आप कोई सिचुएशन देखते हैं या इवेंट देखते हैं आप एक रेफरेंस पॉइंट लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ इतना मुझे इंपैक्ट दिख रहा है क्या ऐसी रियलाइजेशन इस समय बाजार में आ रही है क्योंकि हम जज नहीं, नहीं कर पा रहे स्पेशली कल जिस तरह का मार्केट मूवमेंट हमने देखा सेकेंड हाफ में लग रहा है, अच्छा है। कि मार्केट इस समय फैक्टर नहीं कर पा रहे कि हो क्या बहुत अच्छा सवाल ये कि हम जज नहीं कर पा रहे और ये फैक्टेड मैं आपको एक चीज कहता हूं जिससे मैंने आज शो की शुरुआत की ना ऑप्टिमिस्ट रही है कि सब कुछ ठीक हो गया है तेरह सौ पॉइंट डाउ बढ़ गया है न रही है कि दुनिया खत्म हो जाएगी दोनों ही नहीं वायरस आए गए कई करेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में देखे जय खत्म नहीं, नहीं होगी दुनिया न मार्केट खत्म होंगे और न ही प्रॉब्लम खत्म होगी रियलिस्टिक रही है रियलिस्टिक लेने में समझदारी आपको स्क्रीन क्या कह रही है स्क्रीन ये कह रही है कि आप ऊपर आएंगे तो बिकवाली होगी इट इज एज सिंपल एज दैट नो ब्रेनर नो ब्रेनर स्क्रीन ये कह रही है कि आप कमजोर दिल वाले हैं ट्रेड ना करें स्क्रीन ये कह रही है आप ओवरनाइट पोजीशन ना रखें स्क्रीन ये दे रही है जो करना है छोटी क्वांटिटी में दिन के दौरान कर लें स्क्रीन ये कह है कि इस समय को आप सीखने के लिए इस्तेमाल हुँ. करें बजाय ट्रेड करने के लिए पैसा बचेगा तो आप बचेंगे और आप बचेंगे तो बाजार में आ आपका बचना जरूरी है आपके पैसे का बचना जरूरी है कमाई के लिए बाकी दिन है पंद्रह दिन निकाल लीजिए तीन सौ पचास दिन आपके हैं लेकिन इन पंद्रह दिनों में आपने एडवेंचर किया तो तीन सौ पचास दिन बिस्तर पे पड़े रहना पड़ेगा सही बात है ये समझ लीजिए जब आपका समय हो तब करिए ना एक्शन किसने रोका है रोहित शर्मा जो वानखेड़े में डबल सेंचुरी मारते हैं वनडे मैचेज में जी वो वहाँ पर पच्चीस बनाने में परेशानी आती है आपकी आपकी पिच है तब खेलिए कहते आप अपनी गली में तब शेर और इसलिए मैं ये लगातार और कल भी हमने ये कहा जी कि आप शॉर्ट काट लीजिए अगर कमज़ोर दिल के ट्रेडर हैं क्यों तो वैसे भी अभी अभी अब अभ अब अभ आपका स्ट्रेस कम हो गया होगा एस सिक्स पंद्रह ऊपर है लेकिन रात को आप थोड़ी सो हो पाए अगर शॉर्ट हाँ। है और दूसरा हम ये भी करेंगे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो घबराइए लगाइए हाँ हम पैनिक नहीं क्रिएट कर रहे हैं हम आपको वास्तविकता बता रहे हैं और लगातार सात दिन से दस दिन से बता रहे हैं आगे भी बताएंगे जो वास्तविकता है जो खबर है आपको जाननी जरूरी है देखनी जरूरी है समझनी जरूरी है खबरें बताएंगे सही है गलत है अच्छी आएगी अच्छी बताएंगे ख़राब आएगी ख़राब बताएंगे और ये बाज़ार ऐसा है जिसमें पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है ना कि कोई रिस्क लेना और यही बात हमने आपको कल भी बताई थी पूरे दिन बताई थी जब तेज़ी हुई थी तो भी कहा था कि केयरफुल रहिए और जब गिरावट हुई थी तो भी कहा था केयरफुल रहिए ठीक है तो ग्यारह चार के ऊपर टिकेगा तो फ्रेश खरीदारी करें, करेंगे नहीं तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे नहीं तो करेंगे। जो लोग फंसे हैं वो ऊपर में धीरे धीरे अपनी प्राइस के आसपास निकलने का सोचें। एक सो नब्बे अंक मजबूत खुलता हुआ निफ्टी पांच अंक ऊपर खुलता हुआ बैंक निफ्टी और छह अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स पिछले कुछ मिनटों में लगभग लगभग 75 पॉइंट निफ्टी जोर से टूटा है 11433 का हाई बनाने के बाद 11360 यानी कि 40 और 370 75 पॉइंट की गिरावट यहां हुई है बैंक निफ्टी देखिए ऊपरी छोर से 300 पॉइंट एकदम से लुढ़का है ये है वोलेटिलिटी ये मिलेगी आपको दिन भर जो हम सुबह बात सुबह आप यही बता रहे थे कि अब देखो अब इस वोलेटिलिटी में कितने फ्यूल हैं जो खड़े रह पाते हैं दोनों तरफ भावनाओं में न बहे न तेजी की तरफ न मंदी की तरफ बहाव किसी भी तरह का ठीक नहीं है स्टेबल रहे तो ठीक है सही बात शांत और ठंडा पानी एकदम काम कूल वेट एंड वॉच एंजॉय देखिए सीखिए पैसा बनाने के लिए बाकी 360 साठ दिन है आपके पास पांच दिन सीखिए फिर कहूंगा जो इन्वेस्टर हैं आपकी एस आई पी है क्योंकि महीने की शुरुआत है मेरी एस के पैसे आज गए हैं मेरे आज गए मैंने आज इन्वेस्ट किया है वो रखिए ये सब चीजें आएंगी जाएंगी भले ही यहाँ से मार्केट बीस परसेंट नीचे हो जाए दस परसेंट नीचे हो जाए जो डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो करना है आपके पास अच्छी क्वालिटी का शेयर है रखना है वो ये तो लाइफ लॉन्ग चलेगा बड़ी बहुत सारी बड़ी चीजें आई बड़ी चीजें गई भले ही मार्केट मंदी में चले जाए कुछ भी है लेकिन जो ये जो सारा हम राय मिनट टू तो मिनट दे रहे हैं वो ट्रेडर्स के लिए दे रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए नहीं दे रहे हैं प्लीज इस बात को समझिए आप इन्वेस्टर हैं तो निश्चिंत रहिए कोई बात नहीं कि मुझे छह महीने मेरा पोर्टफोलियो नहीं देखना तीन महीने नहीं देखना मेरा म्यूचुअल फंड अच्छा लिया हुआ है कोई मेरे पास एस बी कोई मेरे पास आईसीआई कोई एस का फंड पड़ा हुआ है शांति से बैठे जो कमजोर दिल वाले ट्रेडर्स हैं निकल जाए वो अपनी शॉर्ट काट लें लोन करने वाले जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी एस जारी रखें कोई दिक्कत नहीं ट्रेडर्स के लिए तो राय है सर जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक नहीं करें बिल्कुल और कल मैंने कल यही क्लोजिंग शो में बोला है मैंने कल खुद मैंने अपने पैसे डाले म्यूचुअल फंड मैंने एस आई पी डाले मेरी एस आई पी जाती है एक तारीख को कल गई है जी। बिल्कुल गई है और मैंने वैल्यू एवरेजिंग की है अच्छा हाँ ये आमतौर पर सिंपल एस आई पी जाती है लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी वैल्यू तो मैंने एस आई पी बढ़ा कर बढ़ाकर डाली बिल्कुल इन्वेस्टर मैं वही बोल रहा हूँ अगर आप वैसे इन्वेस्टर हैं कि छह महीने पोर्टफोलियो नहीं देखेंगे यहाँ से दस पंद्रह बीस परसेंट नीचे का अगर हो जाए आप नहीं देखेंगे तो आपको सोचना ही नहीं है इन्वेस्टर को थो थोड़ी टाइम करना है मार्केट टाइम तो ट्रेडर को करना है आप बात को समझिए दोनों तरफ के लोगों के लिए मेरी राय अलग है आप ट्रेडर हैं आप शांत रहिए इन्वेस्टर कोई पैनिक ना करें मैं फिर कह रहा हूँ एक एक वोट से सरकारें गिनी है नाइन इलेवन में अमेरिका ध्वस्त हुआ है यहाँ पर संसद पर अटैक हुआ है न्यूक्लियर बम हमने फोड़े तो रिएक्शंस लगे रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं उसके बाद पचास वायरस आए गए उसके बावजूद सो का सेंसेक्स आज चालीस हज़ार है जी सो का सेंसेक्स चालीस हज़ार है डरना नहीं है घबराना नहीं है ये इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टर्स को बिल्कुल नहीं सोचना है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है आपका इन्वेस्टमेंट अगर अच्छे स्टॉक्स में है अच्छे फंड्स में बिल्कुल निश्चिंत होकर रही है ये चीजें लाइफ लॉन्ग आएगी इसको ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं ना कोई कर सकता है कि क्या चीज कितनी बड़ी और गहरी हो सकती है आप मत डरिए ट्रेडर्स पिछले दस दिनों से ट्रेडर्स को आगाह कर रहे हैं कुछ नहीं लेना है कुछ नहीं लेना है कुछ नहीं लेना है तो वो ट्रेडर्स के लिए इन्वेस्टर्स के लिए नहीं इन्वेस्टर्स आराम से मस्त रहिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना क्या डरना है लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट मिड कैप में कैश के स्टॉक्स में ये सीजनल स्टॉक है जो पाँच दस परसेंट आज बढ़ गए फिर उसके बाद छः महीने की पार्किंग होगी आपके लिए वापस भाव ही नहीं आएंगे जब आप ले लिया आज और रह गए रात को आपके पास फिर आप छः महीने बारह महीने की तक इंतज़ार कीजिए जिस दिन आपका भाव आएगा आप बेच निकल जाएंगे पार्किंग के पैसे भी आपको नहीं मिलेंगे सही बात है तो ऐसा काम मत करिए प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट करना है फिर कहूँगा म्यूचुअल फंड्स के जरिए करिए मैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के जरिए कर दूँ क्योंकि ये उनका काम है मेरे इन्वेस्टमेंट पे किसी नवनीत मुनोत को किसी प्रशांत जैन को किसी नीलेश शाह को कॉल लेने दीजिए वो हमसे ज़्यादा समझदार है इन्वेस्टमेंट के मामले में उनकी एक्सपर्टाइज है वो करें इन्वेस्टर्स पैनिक ना करें लेकिन ट्रेडर्स को तो भाई सावधान रहने ही पड़ेगा मार्केट और स्क्रीन कुछ और कह रही है जो मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है मैं फिर आपको दिल से कहना चाहता हूं मैं आप में कहीं कोई एक खबर आप मुझे ये बता दें जो जी बिजनेस से पिछले सात दिनों में गलत चलाई हो एक खबर नहीं और सारी खबरें सही चलाई और सबसे सब सब पहले, पहले चलाई चला है।, है और आपको वास्तविकता से रूबरू कराया है आज अगर 11000 पर निफ्टी है और 12100 से हम कह रहे कि नहीं लेना है तो आप प्लीज़ उसकी क्रेडिट दीजिए क्रेडिट नहीं दे सकते कोई बात नहीं क्रिटिसाइज मत कीजिए आपको सही चीज़ करने को बोला है आप माने आपकी मर्ज़ी न माने आपका पैसा अब आपने नहीं माना आपका पैसा लग गया तो वो फ्रस्ट्रेशन प्लीज हम पे मत निकालिए और नहीं अपने बीवी बच्चों पे निकालिए और अगर आप बॉस हैं ऑफिस में तो अपने सहयोगियों पर भी मत निकालिए हम तो हजार एक पंचिंग बैग लाए वो लगाए वो बॉक्सिंग वाला <laughs> और उसी पर मारें ठीक है ना बेस्ट रहेगा बेस्ट वो है बाकी और किसी पर नहीं निकाले फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे निकालना है किसी और पे अनिल सिंह भी है ना कर लीजिए जो बढ़ा सुना डाल लीजिए मैं मोदी जी की तरह ट्विटर नहीं छोड़ रहा आप ट्विटर वही मेरे सवाल वही था आप ट्विटर तो नहीं छोड़ देंगे बिल्कुल नहीं मुझे अभी तक लोगों ने उतना मारा नहीं कि मैं ट्विटर छोड़ दूँ और एक चीज और दीप डेढ़ लाख फॉलोअर है डेढ़ लाख फॉलोअर में से डेढ़ सौ गाली दे भी दे तो फर्क नहीं पड़ता तो भी फर्क नहीं पड़ता डेढ़ सौ लोगों की गाली के चक्कर में बाकी लोगों का प्यार छोड़ दूं वो तो है ना। इतना स्वार्थी तो मैं हूं इतना स्वार्थी तो हूँ नहीं।, नहीं मेरी डेढ़ लाख फैमिली है ये जी और जिनको मैं दिल से प्यार करता हूँ और अगर मुझे तकलीफ है तो इसी बात की कि उनके पैसे ना लगे इसलिए नहीं मैं छोड़ के भागने वाले में नहीं हूँ तो अपने भेजे कौन एकदम बिल्कुल बिंदास आइए आइए हाँ एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ ये पिछले सात आठ दस दिनों से ऐसा हो गया दीप की पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ रही है सीरियसली जी। जी, बहुत डेटा देखना पड़ा तो मैं ट्विटर को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहा मैं सारे मैसेज आजकल देख नहीं पा रहा जबकि पहले मेरी ये आज से दस दिन पहले बजट के पहले तक मेरी ऐसी सिचुएशन थी मैं एक एक ट्वीट पढ़ता था इस बात का मुझे मलाल भी है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ समय की थोड़ी लिमिटेशन है क्योंकि मेरे पास समय तो उतना ही है अब मैं एनालिसिस में समय ज़्यादा दूँ पढ़ने में ज़्यादा समय दूँ या ट्विटर पर दूँ तो प्लीज़ अगर मैं आपको मैसेज नहीं दे रहा हूँ जवाब नहीं दे रहा हूँ ये मत सोचिए कि अनिल जी एरोगेंट हो गए ये नहीं मे मेरी एक दिक्कत है और दिक्कत यह कि मैं अभी आजकल टाइम नहीं दे पा रहा टाइम मेरा एनालिसिस में ज़्यादा जा रहा है बस उतनी सी बात है और कोरिया के राष्ट्रपति का बयान भी आ रहा है सर कि जो आर्थिक हालत है वो गंभीर है ये तो सीरियस बयान आ रहा है क्योंकि कोरिया तो डेवलप्ड इकॉनमी से माना जाता है और वो अगर कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक हालत गंभीर है और जिस तरह से यहाँ से केसेस फैल रहे हैं पिछले 24 घंटों में 600 नए केसेस कोरिया में आए हैं ये तो गंभीर सिचुएशन है तीन पचास साल की उम्र हो गई है मेरी और नाइनटीन नाइन्टी से मैं कंटिन्यूस मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ जिंदगी में कुछ सीखा है अनुभव से सही बात मैं ये नहीं कह रहा मैंने पढ़ाई से सीखा है मैंने अनुभव से सीखा है ये सिचुएशन देखिए दाव में दस दिनों में लाइफ टाइम हाई से फिफ्टी टू वीक 52 लो, लो पे जाना ये मार्केट आपको कुछ कह रहा है सुनिए प्लीज अपनी एरोगेंस में मत रहिए एकदम अकड़ में मत रहिए आप अकड़ में रहेंगे आप ये कहेंगे कि ये पैनिक फैला रहा है वो अरे कौन पैनिक फैला रहा है भाई पैनिक कोरोना फैला रहा है हम थोड़ी फैला रहे हैं हम कौन है पैनिक फैलाने वाले और अगर आपको फिर भी लगता है हम फैला रहे तो प्लीज आप फिर हमारी बात मान लीजिए सुन लीजिए आपको लगता है हमारे में इतनी ताकत है हम पैनिक फैला सकते हैं दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री पर जापान के राष्ट्रपति पर ट्रम्प साहब पर जेरमी पावेल पर जी सेवन के फाइनेंस मिनिस्टर पर उनके सेंट्रल बैंकर्स पर तो फिर आप क्यों नहीं सुनते नहीं। अगर वो सब सुन रहे हैं हमारी पैनिक से तो फिर आप भी सुन लीजिए सही बात कोई पैनिक नहीं फैला रहे जो हकीकत दिखा रहे हैं आईना सच बोलता है झूठ कड़वा होता झूठ सच सच कड़वा होता है लेकिन झूठ मीठा भी हो तो आपके काम का नहीं वो डायबिटीज ही करेगा सच कड़वा है लेकिन आपका इलाज करेगा तो जो सच है वो दिखाना पड़ेगा और हम दिखाएंगे आपको अच्छा लगे बुरा लगे बुरा लगे प्लीज़ कहीं और चले जाइए और देख लीजिए अच्छा लगे वास्तविकता देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है अच्छे दर्शक चाहिए कम हो चलेगा अच्छे चाहिए समझदार चाहिए जो सीखे समझे हमें अरोगेंट दर्शक नहीं चाहिए सिंपल हमें किसी का पैसा लगता है तकलीफ होती है अनिल सिंह की को बहुत दिक्कत होती है जी बिजनेस को बहुत तकलीफ होती है कि हमारा चैनल देखने के बाद अगर आप पैसा तोड़ें हमें, अच्छा हमें अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं ठीक है सर तो फिर आज के क्यूज देखते हैं कि आज बाजार क्या बता रहा है ग्लोबल मैंने न्यूट्रल रखे हैं दोनों को मिलाकर कोरोना और दोनों को मिलाकर एफ के पॉजिटिव है डी के पॉजिटिव हैं और वायदा कारोबार के न्यूट्रल्स सेंटीमेंट कोशिश और ट्रेंड है नेगेटिव अब अगर आज तेजियों ने जो मैंने कहा कि रीजन अलग है वो रीजन ये डेटा में है और मैं पहले आपको डेटा बताऊं एफ आई के और घरेलू फंड के आज क्रम को बदल कर मैं पहले वहां जा रहा हूं दीप तेरह करोड़ की बिकवाली कैश में है एफ की तरफ से तीन करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स का रीजन साथ में स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदें पिछले दो दिनों से एफ की तरफ से वायदा कारोबार में खरीदारी हो रही है याद रखिए कान खोल के सुनिए पहले एक्शन वायदा कारोबार का होता है उसके बाद कैश मार्केट का आता है तो अगर वायदा कारोबार में एफ ने बेचना कम किया है बंद किया है शॉर्ट काटना शुरू किया है ये एक संकेत है आपके लिए दूसरा घरेलू फंड दबा कर खरीद रहे हैं कल भी 1140 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की तो अगर एफ आई वायदा कारोबार में नहीं बेच रहे घरेलू फंड खरीद रहे हैं तो फिर बेच कौन रहा है बेच वो लोग रहे हैं जो पिछले 12100 से सुन नहीं रहे कि निकल जाइए निकल जाइए बेच वो लोग रहे हैं जो ट्रेडर हैं अब अपनी पोजीशन संभाल नहीं पा रहे तो ऐसे में ट्रेडर्स बेच बेच कर कितना नीचे ला सकते हैं सिर्फ खबरों के दम पर फ्लोज़ आपको ये बता रहे हैं अगर आज की रिकवरी आनी है तो इस रिकवरी में किसी का योगदान नहीं कोई डाव का योगदान नहीं कुछ नहीं ये फ्लोज़ का है कि निचले स्तर पर बाजार थोड़ा सपोर्ट लेगा आज मैं आपको फिर कह रहा हूँ देखिए मेरी कमेंट्री में एक बदलाव आया है मैं बदलाव ये कह रहा हूँ कि निचले स्तर पर बाजार थोड़ा सपोर्ट ले सकता है इन फंड फ्लो की वजह से यानी कि एफ और डी का मूड उतना खराब नहीं है जितना आपका हो सकता है हुँ. राइट तो थोड़ा सा निचले स्तर पर सावधान रहिए बेचने के लिए उछाल का इंतजार कीजिए नीचे आए तो शॉर्ट काटिए वापस उछाल का इंतजार कीजिए मौका देगा बाजार निचले स्तर पर शॉर्ट नहीं करना इतना ध्यान रखिए बस ये डेटा बता रहे इसलिए मैंने कहा कि तेजी होनी है तो दाव से नहीं होनी है

वो पिछली बार गलती से एक दिन ग्यारह दो सौ निकल गया दो सौ तो आई बारह दो सौ था उस समय ये छब्बीस आठ सौ क्यों निकला वो आपने बता दिया था दूर हो थी सॉरी होगी सॉरी होगी <laughs> तो अब छब्बीस सौ तो नहीं जाएगा अट्ठाईस 28850 सौ अट्ठाईस आठ सौ पचास ये मजबूत सपोर्ट जो है आज okay. दिन के लिए ये दिन के लिए की बात कर रहा हूँ मैं अब नई मंदी जो होगी या नई कमजोरी कमजोर तो हुँ। हमें हुँ। इसका सर्टिफिकेट हमें किसी से लेना नहीं है हमारी रिपोर्ट्स बता रही सारी की सारी कमजोर हमें नई कमजोरी अगर निफ्टी 11000 के नीचे ट्रेड करने शुरू करेगा तब और बैंक निफ्टी अट्ठाइस के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो, तो, तो कमजोरी और बढ़ेगी ये दो लेवल के नीचे आपको और मूड खराब कर लेना है पॉइंट नंबर अब ग्यारह हजार और अट्ठाइस पांच सौ के नीचे नई रिस्क खुल रही है और ये नई रिस्क बड़ी रिस्क खुलती हुई दिख रही है कितनी बड़ी नोट कर लीजिए ये रिस्क आपको 19 बीस सितंबर के जो लॉज हैं जिस दिन कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था वित्त मंत्री जी ने उन लॉज पर ले जाएगी और वो आखिरी सपोर्ट है और मजबूत सपोर्ट भी आखिरी भी है मजबूत भी है जितना मजबूत है आखिरी है। क्या है दस सात सौ से लेकर दस आठ सौ पचास इस डेढ़ सौ पॉइंट की रेंज में कहीं कहीं रुकना चाहिए बाजार ओके ठीक है ये अगर आपने ग्यारह हजार तोड़ा तो सत्ताईस हजार सत्ताईस हजार दो सौ की रेंज में कहीं कहीं रुकना चाहिए बाजार ये बैंक निफ्टी पर तो बैंक निफ्टी पर 1200 से 1500 पॉइंट की रिस्क नीचे खुल जाती तेरह सौ से 1500 सौ पॉइंट की अगर आप अट्ठाईस पांच सौ तोड़ते तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल अब आज की मैं तो रेंज सर नहीं, नहीं दे रहा इसमें हाँ, वैसे लग रहा है कि ग्यारह पर वैसे सपोर्ट आ जाना चाहिए है ना हाँ, ग्यारह हजार ग्यारह हजार पचास वही क्लैरिफाई करने के लिए वैसे ग्यारह हजार पे आना चाहिए पर अगर वो तोड़ा तो फिर तीन सौ पॉइंट भी आजकल की माहौल को देखते हैं आपको हर चीज के लिए तैयारी रखे मैं ये नहीं कह रहा कि आई जाएंगे मैं ये कह रहा हूं अगर ऐसा होता है तो इसकी तैयारी रखिए ठीक है आपको पता तो होना चाहिए अब ग्यारह हजार के टाइम मैं नहीं बैठा हूँ और आप सोचा अब क्या अनिल जी आए बोले हर वक्त नहीं कर तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ नोट करके रख लीजिए इसके नीचे क्या होता है ठीक है आज मैं निफ्टी की रेंज नहीं दे रहा आपको हायर लेवल्स दे रहा हूँ रिकवरी में निफ्टी कहां कहां तक कितना जा सकता है ग्यारह दो सौ पहला लेवल है ओके पहले ग्यारह दो सौ पार करके दिखाओ आज के माहौल में ग्यारह तीन सौ पचहत्तर ग्यारह चार सौ पच्चीस ग्यारह पांच सौ ग्यारह छह सौ पच्चीस ये सारे लेवल्स हैं जो ऊपर के हैं अब इसमें किस किस लेवल पर रुकेगा भगवान जाने मुझे नहीं पता लेवल दे रहा हूँ आपको बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल लिख लीजिए उनतीस हज़ार पचास उनतीस हज़ार एक सौ पचास उनतीस चार सौ पाँच सौ और सात सौ पचास और बहुत हो गया तो उनतीस नौ सौ तक भी उनतीस सौ मत करो भाई साहब उनतीस हज़ार कर दो एक एक बिंदी और लगा दो जीरो यहाँ से ना हज़ार पॉइंट हाँ मत, जी तो हजार अगर डाव पांच परसेंट बढ़ सकता तो है हाँ, तो मुझे मैं तो रेंज तो दूंगा ना अब वो अलग बात है कि मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा डाव पे वो अलग चीज है ठीक है ना ये हो गया आपका अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया लाइन दे रहा हूँ ये लाइन हर एक के काम की है जो लोग सोच रहे हैं कि अनिल जी का मूड कब ठीक होगा मेरा मूड कब ठीक होगा बता दूं आप बता दें वैसे तो मैं कह चुका हूं जिस दिन कोरोना के का इलाज मिलेगा उस दिन ठीक होगा ठीक होगा लेकिन फिर भी कोरोना का इलाज मिले ना मिले बाजार ठीक हो गया तो भी मैं अपना मूड ठीक कर लूंगा और मेरे लिए बाजार में मूड ठीक करने के दो लेवल नोट कर लीजिए ट्रेंड रिवर्सल लेवल ग्यारह के ऊपर निफ्टी निकल कर टीकेगा बंद होगा मेरे लिए ट्रेन रिवर्सल हो जाएगा मैं मूड ठीक कर लूंगा ओके ग्यारह छह सौ ट्रेन रिवर्सल तीस दो सौ बैंक निफ्टी तीस दो सौ के ऊपर निकलकर टिकेगा बंद होगा मैं मूड ठीक कर लूंगा मैंने डिसाइड कर लिया वैसे ग्यारह छह सौ पचास के आसपास आता है मैंने शॉर्ट में ग्यारह छह सौ ये मेरा मूड रिवर्सल लेवल है तो बेसिकली सर यहाँ से जब तक निफ्टी पांच सौ पॉइंट ऊपर बढ़कर होल्डिंग करेगा और बैंक निफ्टी लगभग पंद्रह सौ पॉइंट बढ़कर होल्डिंग करेगा तक तब तक तो तब तक सेल ऑन राइस का है ओके तो हर ऊपरी लेवल पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वही तो डिसाइड करना है बेचना ये तो डिसाइडेड ही दस दिन से डिसाइडेड है बेचना है कहा तो यही डिसाइड कर यही तो रोज सुबह डिसाइड करते हैं बेचना कहा ठीक है अब पुट कॉल रेशियो एक चौदह पर है विक्स और साढ़े आठ परसेंट भाई रुको कितना बढ़ोगे साढ़े पच्चीस मुझे याद नहीं आता मैंने पिछली बार मतलब जवानी के दिनों में भी साढ़े पच्चीस विक्स थीक देखा हो रे रे अब बंसल साहब ने शायद बोला था कि एक ब्रेकआउट आया था उन्नीस के पास फिर यस, बहुत जबरदस्त तो विक्स अभी भी आपको कंफर्टेबल होने के संकेत नहीं दे रहा ठीक है नीचे आने एक दिन थोड़ा सा नीचे आता फिर ठीक है दिक्कत है सर so, कल के एक्शन में सर अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन क्वारी फॉरवर्ड करी हो कुछ होप पे तो 11000 का स्टॉप लॉस रख लीजिए इंटरडे क्लोजिंग बेसिस पर अट्ठाईस पाँच का स्टॉप लॉस रख लीजिए बैंक निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पर सिंपल स्टॉप लॉस है ज्ञान देने के लिए नहीं दे रहा हूँ लगाने के लिए बोल रहा हूँ आएगा तो लगा लीजिएगा फिर है ना दुखी होंगे मतलब नहीं पहला स्टॉप लॉस लगा लिया होता ना बारह का तो आज ये दिक्कत नौबत नहीं आती अब भी लगाइए ठीक रेस्पेक्ट डिसिप्लिन और शॉर्ट्स के लिए सर हाँ दीप आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है शॉर्ट्स में ऐसे स्टॉप लॉस दे रहा हूँ जो आपको देखकर दंग रहेंगे ग्यारह हज़ार दो सौ का निफ्टी पर बहुत छोटा पॉइंट सिर्फ छोटा क्योंकि मुझे रिस्क नहीं रखनी शॉर्ट्स पे वैसे मैंने कल क्लोजिंग पे कहा था कमजोर दिल वाले लोग शॉर्ट्स काट के जाए करेक्ट लेकिन जिनकी शॉर्ट्स है छोटा स्टॉप लॉस दो का काट लीजिए ऊपर फिर बेचेंगे भाई आपके पास जगह रे तो बेचोगे ना जी और अगर वहां से दो ढाई पॉइंट बढ़ गया समझो आजकल में मजा आएगा आपको तो ग्यारह दो सौ का ही रखिए इससे बड़ा नहीं रखना छोटा बहुत छोटा स्टॉप ऐसे एकेडमिक स्टॉप से आप बोलोगे तो ग्यारह छः सौ का आता है वो थोड़ी दूंगा मैं आपको और फिर भी अगर और सेफ देना तो मैं बोलूंगा कल का हाई ग्यारह चार सौ तैंतीस का वो रखिए वो भी नहीं दूंगा मुझे आपको रिस्क मेरे अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ ऐसा थोड़ी कि मैं खाली है ना मन तेज़ी करने वाले के ही पैसे बचाने के लिए बैठा हूँ कि उनके पैसे ना लगे निकल जाए निकल जाए लेना नहीं लेना नहीं भाई मेरे लिए तो तेज़ी और मंदी दोनों ही ट्रेडर मेरे लिए दिल के करीब है तो जिन्होंने मंदी करी की उनके भी पैसे बचाने की जिम्मेदारी मेरी है आपके पैसे बचाने हैं आपको ग्यारह दो सौ के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना बात खत्म ओके okay. क्लियर है बैंक निफ्टी उनतीस दो सौ के ऊपर शॉर्ट मत रहना बस यहाँ से काट लीजिए बहुत क्लियर है टाइट स्टॉप लॉस रखना उतना ही रखना ठीक है न्यू पोजिशन के लिए सर ग्यारह हजार के स्टॉप लॉस से निफ्टी खरीदिए ग्यारह दो सौ ग्यारह तीन सौ पचहत्तर ग्यारह चार सौ पच्चीस ग्यारह पांच सौ आपको बड़े बड़े टारगेट देखेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता निफ्टी रोज इतना मूव देता है कौन से वाले पर रुकेगा मुझे पता नहीं ग्यारह दो सौ पे रुक जाएगा तीन सौ पचहत्तर पे रुकेगा मुझे नहीं पता कहाँ रुकेगा भगवान जाने ठीक है okay. ग्यारह तीन सौ पचहत्तर से ग्यारह पाँच सौ के रेंज में मुझे बेचना है ओके ग्यारह छह सौ का मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉपलॉस है फिर से ग्यारह तीन सौ ग्यारह दो सौ ग्यारह एक सौ पचास के टारगेट के लिए यहाँ मैं बेचूंगा हंड्रेड परसेंट बेचूंगा ओके okay. हाँ तो अगर थोड़ा आज रैली मिलती है तो फ्रेश शॉर्टिंग मेंसेंट कल जैसे किया था खरीदना है अट्ठाईस पाँच सौ के स्टॉप के साथ उनतीस हजार पचास उनतीस हजार एक सौ पचास चार सौ उनतीस पाँच सौ उनतीस सात सौ पचास कहाँ पर रुकेगा नहीं पता एक्चुअली उनतीस नौ सौ और होता है लेकिन मुझे शर्म आ गई मैंने कहा कितने दूँ ठीक <laughs> है तो मैंने कहा इतने काफ़ी हैं तो बस बाकी उन्तीस नौ सौ तक भी उनतीस नौ सौ तक की जगह बनती है ऊपर नीचे में ऊपर तो देखो एक चीज़ है ये सेंट्रल बैंक वाले सब मिलके कुछ अच्छा बोल दे कोरोना को लेकर दो खबर अच्छी आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी नहीं बढ़ सकता जी. कल ऐसे ही 800 पॉइंट चल गया बैंक निफ्टी 900 पॉइंट ऊपर खुल गया हुँ. तो रीजन से तो बन ही सकता है इसलिए देखो ये कोई शर्माने की जरूरत नहीं है हुँ. कि ये नहीं हो सकता मार्केट में कुछ हुँ. भी हो सकता है ऊपर नीचे दोनों तरफ हमारी मैं ये दूंगा वही सही है ऐसा चलेगा नहीं भाई जो मार्केट बोलेगा वो हम तो बोलेंगे फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा फ्ले रहना ही पड़ेगा भाई देखो जब तूफ़ान आता है ना बड़े बड़े तूफ़ान जो बड़े वाले छोटे वाले नहीं तो जो बड़े बड़े पेड़ है सौ साल पचास साल पचहत्तर साल पुराने इतने बड़े बड़े तने जिनके हैं वो ही गिरते हैं क्योंकि वो झुक नहीं पाते झुक नहीं पाते छोटी तो सी घास होती है ना वो कभी आपको गिरी हुई नहीं मिलेगी वो हवा के साथ नीचे हो जाती है घास की तरह रहिए पेड़ की तरह अड़ियल मत बनिए बिल्कुल सिंपल ये तो आज की लाइन ऑफ द डे हो गई हाँ हम सहज हैं विनम्र हैं हम घास की तरह हैं ज़मीन पे ही हैं तूफान आएगा हम सर झुका लेंगे निकल जाने दो तूफान को ऊपर से अड़ियल रहने में कुछ नहीं होता अड़ियल रहने वाले गिर जाते हैं और सौ साल पुराने पेड़ वापस उग नहीं पाते हैं पंद्रह साल बीस साल पुराने पेड़ वापस खड़े नहीं हो पाते बस इसलिए कभी कभी जिंदगी की सीख भी ले लेनी चाहिए <laughs> मार्केट के साथ साथ सर, पोस्ट मार्केट मतलब कुछ मेडिटेशन क्लासेस भी आप शुरू कर रहे हैं ऐसा कुछ है <laughs> इतना तो ज्ञान वैसे ही दे रहा हूँ बिना बिना पूछे ही <laughs> है। जी हाँ। सर बैंक निफ्टी शॉर्ट अगर हाँ। शॉर्ट करना है उन्तीस सात सौ पचास नौ सौ की रेंज में शॉर्ट कीजिए तीस हजार दो सौ का है उनतीस पाँच सौ पचास उन्तीस चार सौ पचहत्तर उन्तीस दो सौ उनतीस हजार पचास अब इसमें एक ही इशू है कि क्या उन्तीस सात सौ पचास मुझे मिलेगा कल के लेवल को देखते हुए मैं सेफ रहूंगा नहीं होगा तो जो भी लाइव मार्केट में या नौ आठ पर जो होगा वो हम बताएंगे ठीक है।, है कोई स्टॉक नहीं स्टॉक ऑफ द डे कुछ नहीं है स्टॉक कोई बैन में नहीं है मुझे कुछ देना ही नहीं है न स्टॉक ऑफ द डे ना आज का हीरो है है ठीक मैं पहले बताऊँ मुझे देना ही नहीं स्टॉक आज ठीक है ठीक है अब खाली मैं आपको एफिनो के जल्दी से बता देता हूँ 11000 मजबूत सपोर्ट है आखिरी उम्मीद यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में दोनों का है मंथली और वीकली सैंतीस लाख शेयरों का ये जब तक ना टूटे आप आखिरी उम्मीद रख सकते हैं ग्यारह तीन के ऊपर निकलेंगे तो आपको तेजी के पहले दर्शन होंगे मुझे अभी तक जो लग रहा है कि ग्यारह तीन भी पार करना मुश्किल है क्योंकि ग्यारह तीन के पुट और कॉल पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है सत्ताईस लाख शेयरों के आसपास का वो आपके लिए ऊपर का निर्णायक लेवल जो कि यहाँ से भी डेढ़ पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी में ज़्यादा पोजीशन है नहीं जो पोजीशन है वो अट्ठाईस का अगला सपोर्ट दिखा रही है और ऊपर की तरफ वही उनतीस पाँच सौ तो बैंक निफ्टी में डेटा बहुत कम है निफ्टी में सिंपल जो मैंने आपको बता दिए है ग्यारह हज़ार ग्यारह हज़ार तीन सौ की रेंज ठीक है ग्यारह हज़ार ग्यारह हज़ार तीन सौ की रेंज ये रहेगी आपके लिए निफ्टी पर आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे उस पर नज़र डाल लेते हैं क्या है आज के अहम ट्रिगर्स और ब्रोकरजेस क्या बता रही है हमारी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है संदीप देवानशी कुशल और साथी आशीष मॉर्निंग संदीप आपसे शुरुआत करते हैं Triggers or stocks concession.

कुछ अहम ट्रिगर्स जिन पे आपको नजर रखने का प्राइस बैंड है दो से तीन सौ रुपए प्रतिशेयर तय किया गया और कल ओ की बोर्ड बैठक भी है जिसमें बोर्ड अंतरिम डिविडेंड देने के ऊपर विचार करेगा ठीक है काफी सारे अहम ट्रिगर्स है जिस पर नजर रहेगी देवानशी के पास स्टॉक्स की लिस्ट है देवान्शी बताइए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दबांशु आज सबसे पहले तो एस बी आई के जो आईपीओ एस बी आई कार्ड्स के आईपीओ yeah. की डिटेल्स जान लेते हैं और पहले दिन आप देखिए उनचालीस परसेंट ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखाया और परसों तक ये आई पी ओ खुला रहेगा देखना होगा कि कितना ज्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है साथ ही हीरो मोटोकॉप इसकी ऑटो की बिक्री के नंबर्स आते हुए दिखे हैं फरवरी में कुल बिक्री करीब नाइनटीन परसेंट टूटी है और फरवरी में कुल बिक्री आप देखिए सिक्स लाख ,00 यूनिट से घटकर केवल फाइव लाख ,00 यूनिट्स पर आते हुए दिख रही है लेकिन जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस बार करीब नौ परसेंट तक बढ़ते हुए दिखे हैं साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि कंपनी ने बी के पांच नए वेरिएंट्स या प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं वोडा आइडिया इस हफ्ते कंपनी 3000 करोड़ के एजीआर का भुगतान कर सकती है और साथ ही अपने बैंक गारंटी पर भी कोई फैसला ले सकती है और साथ ही शुगर स्टॉक्स आज फोकस में होंगे एथेनॉल के उत्पादन को दुगना करने की योजना है करीब साढ़े बिलियन लीटर से बढ़ाकर नौ बिलियन लीटर्स करने का लक्ष्य सरकार की तरफ से आता हुआ दिख रहा है ठीक है एथेनॉल आउटपुट पर फोकस सरकार की तरफ से वोडा और हीरो मोटो कुशल आप बताइए आपके पास लिस्ट के और कुछ फंड एक्शन भी अगर है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दीपांशु तो यहाँ पर रिलायंस कैपिटल पर फोकस कर लेते हैं यहाँ पर इन्होंने रकम जुटाने में दिक्कतों की वजह से इन्होंने uh, जो कर्ज भुगतान करना था उस पर डिफॉल्ट किया है और ये इकतीस जनवरी का डिफॉल्ट है एचडीएससी लिमिटेड और एक्सिस बैंक का इनफैक्ट एक्सपोजर की बात करें तो एच लिमिटेड की पांच करोड़ का एक्सपोजर है रिलायंस कैपिटल में और एक्सिस बैंक का करीब सौ करोड़ का एक्सपोजर है साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट यहाँ पर डीआर ने यूएसएल में पॉइंट हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है और अब यह पहुंचकर शुक्रवार को बोर्ड बैठक होने वाली है अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड जो है ये इस पर बैठक करेगा इसके अलावा फंड एक्शन जैसे की आप बात कर रहे थे तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहां पर नेगेटिव फंड एक्शन आता हुआ दिखा है करीब अड़तीस लाख शेयरों की बिकवाली की है रुपए तैंतीस पैसे के भाव पर और अंत में भारत फोर्ज ये आज से लेकर नौ मार्च के बीच तीन फंड हाउसेज से बैठक करेगा एसेट मैनेजमेंट क्वांटम म्यूचुअल एसबीआई म्यूचुअल फंड ओके okay, तो यह भारत में भी एक्शन फंड वाला। आइए अब वक्त एफ एफआईआर का गुड मॉर्निंग आशीष रिपोर्ट्स हैं ढेर सारी रिपोर्ट्स अनिल जी क्या बात है मंदी में बहुत काम कर रहे लोग बताइए <laughs> सबसे पहले फार्मा सेक्टर पर काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई है सीएलएस ये मान रहा है कि सन फार्मा सिप्ला और लुपिन कैडेला भी इन पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा लेकिन जो कंपनीज की घरेलू कारोबार पर निर्भरता ज्यादा है वहाँ पर थोड़ा सा ये पॉजिटिव रुख है इनका लूपिन इन पर देख लेते आई है मॉर्गन स्टैली की ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं नौ सौ रुपए के लक्ष्य के लिए क्रेडिट स्विच आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे आठ 810 रुपए के लक्ष्य के लिए ये कह रहे कि यूरोप में दो दवाओं के लिए अप्रूवल मिलना आगे जाकर पॉजिटिव होगा और मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो स्टॉक में गिरावट काफी सीमित नजर आती है इसके अलावा सनफार्मा पर रिपोर्ट है मॉगन स्टैंडली की ओवरवेट की रेटिंग दी है पांच सौ के लक्ष्य के लिए एक रहे स्पार्क को जो कंप्लीट रिस्पांस लेटर मिला था यूएसएफडी से जिसके बाद अप्रैल में इनके साथ ये बैठक करने वाले हैं और ये जो दस्तावेज है ये दोबारा जमा कराएंगे डॉक्टर रेड्डीज की रिपोर्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट निकाली है न्यूट्रल की रेटिंग के साथ तीन रुपए का लक्ष्य दिया है और ये कह रहे हैं कि लागत खर्च में जो कंपनी लगातार नियंत्रण कर रही है इससे आगे जाके कंपनी को फायदा देखने को मिलेगा तो ये कुछ फार्मा कंपनीज पर रिपोर्ट आई है ओके okay. बस इतनी ना ना और भी काफी सारी बड़ा, रिपोर्ट रिपोर्ट आप गैस गैस कंपनीज पर लगातार हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स आती जा रही हैं कल भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी आज भी आई है आई पर होल्ड की राय दे रहे चार सौ के लक्ष्य के लिए जेफरीज और ये कह रहे कि गैस कंपनियों ने पूरे बाजार को अगर आप देखें तो काफी आउट परफॉर्म किया है गुजरात गैस पर भी खरीदारी किराये तीन सौ के, के लक्ष्य के लिए और एम पर भी खरीदारी की राय चौदह सौ के, के लक्ष्य के लिए इसके अलावा अगर आप देखें तो मेरिको पर रेटिंग अपग्रेड आए एच का यहाँ पर जो रेटिंग है होल्ड से बढ़ाकर बाय की कर दिए लेकिन लक्ष्य जो है चार सौ रुपए से घटाकर कर तीन सौ सत्तर रुपये कर दिया गया है ये कह रहे कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो रिस्क और फेवरेबल नजर आ रहा है वोल्टास पर रिपोर्ट है सिटी की खरीदारी की खरीदारी मही जिसके चलते ए, एक मांग बढ़ेगी साथ ही इन्होंने जो कीमतें उसमें भी तीन से पांच अप्रैल का महीना रहेगा मार्च और मई मतलब अप्रैल दिया बीच में मार्च और मई का इन्होंने अनुमान निकाला है यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी ये तो इंटरेस्टिंग है अप्रैल में उन्होंने बोला वैसे ही गर्मी ज्यादा होती है बट मार्च में इस सर वैसे कह रहे हैं ना समर जल्दी आ रही है तो शायद नहीं वैसे नहीं वैसे। भाई, ओके सिटी की जय हो जी बताइए आगे और इसके अलावा उज्जीवन पर रिपोर्ट आई है एच की होल्ड की राय दे रहे हैं और लक्ष्य जो है तीन से घटाकर 350 कर दिया है ये कह रहे हैं बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के कारण आगे जाकर एयूएम में और बढ़त देखने को मिलेगी इंडिगो पर इंटरेस्टिंगली पॉजिटिव रिपोर्ट्स आज देखने को मिली अगर देखें तो ब्रोकरेज हाउस ने लक्ष्य में या रेटिंग में कोई कटौती नहीं की गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं सत्रह सौ रुपए के लक्ष्य के लिए क्रेडिट स्वीच आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं अठारह सौ पचास रुपए के लक्ष्य के लिए लेकिन ये मान रहे कि आगे जाकर जो लोड फैक्टर है इसमें एक परसेंट की गिरावट देखने को मिल सकती है और अंत में भारतीय एयरटेल पर रिपोर्ट्स आई हैं गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे पांच सौ पचास रूपये के लक्ष्य लिए क्रेडिट स्वीच आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं छह सौ रुपए के लक्ष्य के लिए कैसे देंगे इंडिगो सबके पास पड़ा तो है ना <laughs> बिकता नहीं ना ये ऐसा थोड़ी कि हमारे ट्रेडर से ही नहीं बिकता सारा नहीं। सामान बाकी फंड का भी यही हाल है बेचना बहुत मुश्किल है बेचना भी अपने आप में कला है जिसको आती है उसी को आती है ओके आशु मदान साहब सब नहीं होते आइए बाकी जो सब हैं उनको कार्यक्रम में करते हैं शामिल वो भी हमारे हैं दमदार एक्सपर्ट जो तेजी और मंदी दोनों तरफ रखते हैं अपनी शानदार राय आइए वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं किरण जी भी और साथ ही मंथल जी और कुणाल जी भी आप सबका स्वागत है और शुरुआत करते हैं ऑफ द डे के बिगुल के साथ दुण। 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 कल सुबह होने वाली रिकवरी पर पूरा पूरा भरोसा करते हुए कॉन्फिडेंटली वागले साहब ने ए, एक हफ्ते की लंबी छुट्टी के बाद कोटक बैंक शॉर्ट करने की ही राय दी तो आज भी मुझे पूरा भरोसा है उनकी शुरुआत शॉर्ट कॉल से ही होगी इसलिए वागले साहब शुरुआत आप कीजिए गुड मॉर्निंग अनिल जी गुड मॉर्निंग दीपांशु गुड मॉर्निंग आज sir. मेरा नोटा है क्योंकि मुझे लगता है आज वॉल वॉलेटिलिटी हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है आज बाउंस बैक होगा शायद थोड़ी देर तक सस्टेन भी होगा लेकिन क्योंकि बेसिक ट्रेंड ट्रेंड डाउन है मैं बेचना चाहूँगा तो ऊपर मैं बेचना चाहूँगा तो अभी से कोई स्टॉक देने का कोई मतलब नहीं बनता है मैं पहले एक दस से पंद्रह मिनट तक वॉच करूंगा कोई क्लियर पैटर्न बनेगा तो ही कॉल लूँगा इसके लिए मैंने आज कोई कॉल दिया नहीं है बिल्कुल ठीक बात है और मैं भी आज आपको कहना चाहता हूँ कि जो इतने दिनों में पीछे पैनिक दिखाओ उतना पैनिक आज मत रखिए आज उतना पैनिक नहीं होगा क्योंकि आज पैनिक इसलिए नहीं होगा कि डाउ तेरह सौ बड़ा है आज इसलिए कि एफ और घरेलू फंड के डेटा थोड़े बेहतर हो रहे हैं वो वायदा कारोबार में शॉर्ट कवरिंग का इशारा कर रहे हैं उस वजह से आपको लेना है और कोई वजह से नहीं आइए किरण जी आपका इरादा है कुछ खरीदने बेचने का या आपका भी नोटा अनिल जी दीपांशु वेरी गुड मॉर्निंग और मेरा भी कोई इरादा नहीं है मेरा भी नोटा ही रहेगा जो आपने एनालिसिस किया मैं से सुन रहा था। एकदम सही है और बेहतरीन आता तो मेरा है कि अभी पहले दस पंद्रह मिनट पे कुछ नहीं करने की सलाह होगी थोड़ा मेरा भाषण लंबा हो गया सोरिये वो बहुत इम्पोर्टेंट था मैं भी कभी कभी ऐसे ही थोड़ा प्रॉब्लम है ओके कुणाल जी कुछ करना है या नहीं खरीदारी की राय है अनिल जी और खरीदना है सबसे सेफ शेयर बाजार में देखिए वॉलिटिलिटी बहुत देखी गई है एक स्टॉक है जो इस वॉलीटिलिटी में बिल्कुल मूव नहीं किया है और वो स्टॉक है नेस्ले तो मौजूदा स्तरों पर नेस्ले को खरीदारी की राय है वैसे इसको आप नोटा भी मान सकते हैं अनिल जी क्योंकि नेस्ले कोई बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है सबसे सेफ बैट है तो इन स्तरों पर नेस्ले को बाय बाय करें पंद्रह हजार नौ सौ पर एक स्टॉप लॉस रख लें ऊपर सोलह हजार चार सौ पचास का टारगेट है तो नेस्ले बाय करने की राय ओके पंद्रह नौ सौ स्टॉप लॉस सोलह चार सौ का टारगेट बंसा जी गुड मॉर्निंग क्या इरादा है गुड मॉर्निंग अनिल जी गुड मॉर्निंग दीपांशु और स्पेशल गुड मॉर्निंग सभी नोटा वालों को अनिल जी <laughs> <laughs> आज मैंने जी मैंने ही शुरुआत की नोटा की है तो मैं अब आप लोगों को कुछ बोल ही नहीं सकता जब मैंने ही नहीं दिए स्टॉक्स तो मैं आपको क्या बोलूं? तो क्या आज आपका भी नोटा है सर नहीं अनिल जी मेरे पास तो दो पिक्स हैं और दोनों भेखवाली किए हैं बट ऊपर बेचना है अरविंदो फार्मा को पांच से लेकर पांच के जोन में अरविंदो फार्मा को बेचने की राय है पांच के स्टॉप लॉस के साथ चार के लक्ष्य के लिए और दूसरा बिकवाली का कॉल है कैडिला हेल्थ केयर पर भी इसको भी उछाल पर 255 के अराउंड बेचने की राय है 261 261 का स्टॉप लॉस है 233 का टारगेट है ओके पहले मैं एक बार बारिंदो फार्मर लिख लू पांच से पांच की रेंज में बेचना है करेक्ट ये नहीं पांच से पांच की रेंज में राइट right? नहीं अनिल जी 507 से 510 के जोन में ठीक है 510 तक बेचना है 520 का स्टॉप लॉस है आपका और चार सौ पचपन दस परसेंट नीचे का दस परसेंट नीचे, नीचे। देखिए अनिल जी ये दो स्टॉक अरविंदो फार्मा ऐसा स्टॉक है अनिल जी इसको तो कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है ये तो अपनी चाल में बढ़ा था अपनी नेगेटिव न्यूज में गिरा था अब पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का है और यहाँ पर एक लगता है सेकंड लॉग लैग ऑफ सेल ऑफ अरविंदो फार्मा में देखने को मिलेगा ओके और केडिला बेचना है आपको रेंज है केडिला की नोट करिए जरा 250 के आसपास है क्या भाव में बेचना है सर 250 से नहीं अनिल जी 255 के अराउंड बेचना है स्टॉक को स्टॉक ने बड़े ब्रेकआउट दिए थे ब्रेकआउट के बाद भी चला नहीं स्टॉक और कल एक क्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिला है तो 255 के अराउंड बेचना है दो का स्टॉप लॉस दो का टारगेट ठीक है जैन साहब हमारे साथ जयपुर वाले गुड मॉर्निंग सर कुछ खरीदने वगैरह का इरादा है आप भी आज वेट एंड वॉच वेट एंड वॉच जैसा मोड तो है अनिल जी ऐसा नहीं है और कल रात को भी जब मैं शो कर रहा था तो मैंने पहली बार एक शॉर्ट कॉल दिया था इंट्रा में जनरली मैं तो सब जगह बाइक कॉल ही देता हूँ बट उसमें मैंने डिवीज लैब को सेल कॉल दिया था बट साथ में एक जो वैल्यू पिक और लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से मैंने एक स्टॉक दिया था डॉक्टर लाल पैथ लैब्स जो कि कल के ऐसे मार्केट में भी रेजिलियंस दिखा रहा था फंडामेंटल्स बहुत बेहतरीन है रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आ रहे हैं और जब ऐसा माहौल रहता है तो मुझे लगता है कि ये पैथोलॉजिकल स्टॉक्स जो है ये अच्छा करना चाहिए और इनफैक्ट कल शाम को जब ये शो कर रहे थे तो संदीप जी ने भी इनफैक्ट यही कहा था कि सारे जब सेक्टर्स जो अफेक्टेड है उसमें से एक जो पॉजिटिविटी जिसमें दिखती है वो यही सेक्टर और इनफैक्ट मैं इनफैक्ट यही स्टॉक लाया था कल रात को भी वैल्यू पिक के तौर पे और आज पिक ऑफ द डे के तौर पे भी मैं यही स्टॉक दूंगा बाकी अनिल जी एक बात कहनी पड़ेगी आज जो आपने जो पेड़ वाला और जो घास वाला जो एग्जांपल दिया ना वो जबरदस्त था मतलब मजा आ गया अनिल जी सुन के आपके वो गजब थे मैं <laughs> <laughs> क्या बोलूं आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लो सब मार्केट में ही है, और मार्केट के बाद मेडिटेशन या, या योगा गुरु शाम का अलग से शो रहेगा मार्केट अवर से ये नहीं करेंगे ओके <laughs> <Okay. laughs> जितना मार्केट का स्ट्रेस है वो आप शाम को <laughs> ठीक है कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो आज एक्शन में रहेंगे हम लगातार दो दिनों से हीरो मोटो पर फोकस कर रहे हैं किरण जी एक बार आप भी इसके चार्ट पर बताइए क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे चार साल के निचले स्तर पर था अब 2000 के नीचे गया है इनके जो बिक्री के आंकड़े हैं उसमें उन्नीस की गिरावट देखने को मिली है और अब पांच लाख का इनकी बिक्री आई है कितना वीक लग रहा है चार्ट हीरो मोटो काफी वीक है पर ओवर सोल्ड है मेरा मानना है कि अभी बिकवाली का वक्त नहीं है ये न्यूज डिस्काउंट हो हो गई है सबको मालूम है कि आ, आ, सेल्स नंबर्स खराब हो चुके हैं तो इन लेवल्स पे बेचना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड में नहीं है तो मेरा मानना है कि अभी फ्रेश शॉर्ट्स ना करें पर जिनके पास शॉर्ट प्जिशंस है वो ट्वेंटी वन हंड्रेड के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट प्जिशन रख सकते हैं हमने देखा है कि ट्वेंटी फोर फिफ्टी से लेकर आ गया है अभी इतने वर्टिकल क्रैक के बाद शायद ये थोड़ा सा टाइम करेक्शन में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और उसके बाद फिर जो डायरेक्शन आती है टाइम करेक्शन के बाद वो पकड़ने की कोशिश करे अभी इस इन लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं अच्छा इस बीच है ना दीप आप अगला सवाल पूछे उससे पहले मैं एक चीज हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ हम आपको एक तस्वीर दिखाने वाले हैं बस तैयार हो रही है कुछ ही सेकंड्स में हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और वो तस्वीर आंखें खोलने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है और उस तस्वीर से आपको पता चलेगा कि कोरोना क्या कर रहा है अच्छा हाँ एक तस्वीर एकदम ऑथेंटिकेटेड एकदम प्रमाणित एकदम सत्य एकदम सही ठीक है तब तक आप मैं तस्वीर बताने वाला हूं दो मिनट रुकिए, तब तक आप सवाल लीजिए जी वागले जी फार्मा स्टॉक्स इस पर एक्शन हम देख रहे हैं हालांकि कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्री आई है पर सन फार्मा रेगुलरली प्रेशर में आ रहा है लुपिन भी अब प्रेशर में आ रहा है आ, कैसे देखें इन दोनों चार्ट्स को और पे तो आज ऑलरेडी सेल कॉल दे दिया है राकेश जी ने पर आप सन फार्मा और लुपिन को कैसे देख रहे हैं दीपांशु दोनों स्टॉक्स में मुझे वीकनेस दिखाई देता है बिटवीन द टू मुझे लग रहा है कि लुपिन एक फ्रेश डाउन मूव के लिए रेडी है 650 का एक स्विंग लो इसने ब्रेक किया है तो एट सिक्स फोर्टी बाउंस बैक भी होगा तो दस बारह रुपये के ऊपर सस्टेन नहीं होगा मुझे लगता है लुपिन इवेंचुअली पाँच सौ अस्सी तक जा सकता है पैटर्न तो ये कहता है कम से कम और सन फार्मा भी वीक है बट आई थिंक दो, दोनों में लुपिन ज़्यादा वीक है और इसमें कोई भी लेवल पे फिलहाल बाय करने का प्रयत्न न करें बॉटम फिशिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए बॉटम फिशिंग अवॉइड करनी चाहिए जहाँ तक फार्मा स्टॉक्स का सवाल है और हम देख भी रहे हैं कि एक परसिस्टेंट वीकनेस रही है पर इस समय शायद ट्रेंड थोड़ा रिवर्स हो सकता है कुणाल जी गैस स्टॉक्स एम और गुजरात गैस दोनों ही एक कंसोलिडेशन रेंज में चले गए हैं हालांकि हम देख रहे हैं कि लगातार ब्रोकरेज कॉमेंट्री इन स्टॉक्स पर ज़्यादातर करके पॉजिटिव ही आ रही है पर जिस तरह का मार्केट सेटअप है और जिस तरह का इनका रनअप ऑलरेडी हो चुका है अब थोड़ा ये स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ से बढ़ने के लिए अभी भी थोड़ी गिरावट इसमें बाकी है या फिर कंसोलिडेशन हाँ। के बाद मूव आ सकता है देखिए दोनों की बात करें तो इसमें देखिए थोड़ा फर्क है एमजीएल का चार्ट ज्यादा कमजोर है गुजरात गैस का चार्ट थोड़ा मजबूत दिखता है तो मुझे लगता है कि दोनों में गुजरात गैस में जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे स्टॉक में दो सौ पर एक सपोर्ट है 270 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने की राय है एम में हमने एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी देखा है और मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन और डीप हो सकता है इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है जिनके पास पोजिशन है उन्हें एक स्टॉप लॉस जरूर रख लेना चाहिए नौ के आसपास नाइन के नीचे फ्रेश बिकवाली देखने को मिलेगी तो नौ के स्टॉप लॉस से एमजीएल को होल्ड करें और गुजरात गैस को दो के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए ओके okay. ये है आपके लिए एमजेल पर आए और मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं वो खास बात दिखाऊं उससे पहले जल्दी से शिकांत जी आ गए तो शिकांत से पहले पिक ऑफ द डे ले लेते ले। जी yes. कुछ खरीदने बेचने का इरादा है तो बताइए आप डेफिनेटली गुड मॉर्निंग अनिल जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग देखिए मुझे लग रहा है कि जैसे करेंसी ने कल एक 72.50 के इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है जो काफ़ी मुझे लगता है कि 12 से 18 महीने में उसने उस लेवल को क्रॉस नहीं किया था और मुझे लगता है इनफैक्ट जैसे ओवरऑल वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक ने जैसे एक डिसीजन लिया है कि वो इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे शायद अगर आज आर भी अगर सपोर्ट में आ जाए और शायद अगर इंटरवेंशन हो जाए तो अच्छी बात है बट अगर वो नहीं अगर काबू में आती है तो फिर करेंसी जो अपने इंपॉर्टेंट प्रीवियस लोस के करीब जा सकती है जो लोस थे 74 फोर के करीब के थे जो काफ़ी बड़ा एक फॉल हो सकता है और उसी के बेसिस पे मुझे लगता है कि टी एक ऐसा स्टॉक है जिसे बाय किया जा सकता है और दीपांशु अगर आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों में कभी भी टी 2000 या 1980 के करीब आया है उसने अच्छा एक रिबाउंड दिया है और मुझे लगता है ना कि कोई खास उसमें टेक्निकल कोई बड़ा फंडामेंटल फर्क पड़ा है तो करंट लेवल से 2000 के करीब 2010 के करीब इसे बाय किया जा सकता है उन्नीस के स्टॉप लॉस के साथ और उन्नीस सौ उन्नीस के स्टॉप लॉस के साथ जो कैश के लेवल्स है और टारगेट्स मुझे लगते हैं कि वो वापस आ सकते हैं दो हजार के साथ ही साथ मुझे लगता है की आई आज स्टॉक अगर वीक खुले तो इसे बाय करना चाहिए बिकॉज मुझे लगता है ओवरऑल करेक्शन इसमें पूरा हो चुका है जी, जी, और एक सौ नब्बे के करीब इसे बाय किया जा सकता है परफेक्ट 190 के आसपास आईटीसी लीजिए बंसल जी भी तैयार है आपके साथ एक सौ अस्सी नब्बे में वो भी लेंगे लेना कितना उन्नीस में अ नहीं 2010 हजार करंट मार्केट प्रेज है उसमें देश को आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है जो तेजी धूम नहीं, नहीं तेजी नहीं अच्छे स्टॉक ढूंढ ओके तेजी की you. बात हम नहीं कर रहे हम कह रहे हैं कि अच्छे शेयरों का पोर्टफोलियो बनाने का समय तो आईटीसी टीसीएस नहीं खरीदेंगे क्या खरीदेंगे